ड्रग्स की जो लत पड़ी है हमारे नौजवानों के अंदर, इसको दूर करने की फिक्र करके आज जो है हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और पूरे पुलकेशी नगर से लेकर सर्वज्ञ नगर और यहाँ पर जो है टनेरी रोड, गोविंदपुर, इस सारे इलाकों में जो है हमने जो है इसका जो है प्रचार किया कि कैसे हमारे नौजवानों को बचाया जाए इस ख़तरनाक मुहल्लक बीमारियों से, जो आज हमारे कई सारे भाई जो है ऐसे बीमारियों से शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार ख़त्म हो चुके, उनके घरदार ख़त्म हो चुके, उनके बीवी बच्चे ख़त्म हो चुके। जो एक घर का नौजवान बच्चा जो पूरा घर चलाता हो, जो उसके खानदान पर पूरी जिम्मेदारी हो, ऐसे बच्चे ये जो है टैबलेट्स नशे की हालत में ऐसा नशा कर रहे हैं कि वो जो है टैबलेट्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं और कई सारे पाउडर्स ले रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों से मुक्ति करने के लिए एक अभियान हमने शुरू किया है। हमने जो है इसको जो है नशा फ्री करने के लिए इस पर जो है गौर फिक्र करना शुरू कर दिए और आज जो है उस पर जो है हम कंडम कर रहे हैं। जो यहाँ पर दवाई जो बेच रहे हैं, जो टैबलेट्स का जो सेल हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत कुछ नहीं कर सक रही है। आज हमारा नौजवान पूरी तरह से जो है इस नशे की हालत में लितपित होकर जो है तबाह हो बर्बाद हो रहा है। कौम के लीडरान इसके पीछे कोई फिक्र नहीं कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट इसके पीछे कोई फिक्र नहीं कर रही है, क्राइम ब्रांच इसके पीछे कोई फिक्र नहीं कर रही है, नरेंद्र मोदी कोई इसके पीछे कोई अभियान नहीं चला रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है आज आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जो है हर वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो पूरे भारत के अंदर ये हमारी अभियान जारी हुई है। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है। आज इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमारे सदर जनाब के मोहम्मद शरफुद्दीन साहब की हिदायत पर और जाली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है। हम चाहते हैं कि हुकूमत अवेयर हो कि आज किस तरह से आज मुल्क में, आज सिर्फ बैंगलोर शहर की बात नहीं है, कर्नाटक रियासत की बात नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर आज नौजवान ड्रग्स में डूबे हुए हैं। आज पूरी डेमोक्रेसी में, दुनिया की पूरी डेमोक्रेसी कंट्री में हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा नौजवान तबका रहता है और ये नौजवान तबका आज ड्रग्स में डूबा हुआ है। आज ये नौजवान तबका पूरे ड्रग्स में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। क्यों फिक्र नहीं कर रहे? क्योंकि इन्हीं पैसों से इन लोगों के घर चल रहे हैं, इन बच्चों को बर्बाद करने से, इनकी मुस्तकबिल ख़राब करने से इन लोगों के चल रहे हैं। आज स्कूल से लेकर कॉलेज बच्चे यहाँ तक है कि आज स्कूल के बच्चे तक ड्रग्स कर रहे हैं, बावजूद हुकूमत की नज़र में बावजूद होते हुए आज खुले आम ड्रग्स बिक रहा है, लेकिन उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं। लेकिन एक मीडिया बाइट आएगा या कोई एक बंदा फंसेगा या कोई सेलिब्रिटी फंसेगा, सिर्फ उस टाइम पर इसके ऊपर काम किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कम्प्लीटली भूल जाते हैं। ग्रास रूट लेवल पे जहाँ पर इस तरह के बैकवर्ड इलाके हैं, गोविंदपुर हो, पुलकेशी नगर हो, सर्वज्ञ नगर हो या मैसूर रोड के इलाके हो, इस जगह जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन हो वहाँ पर इस तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। हर जगह तो होता ही है, ऐसा कोई इलाका नहीं बचा है जहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर तवज्जो देने वाली बात यह है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई ये नहीं कर रही है, जबकि 3000 टन एक पोर्ट में 3000 टन जो 3000 टन जो माल पकड़ा गया था उसके ऊपर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उस चीज़ को दबाया गया क्योंकि उनके मालिकों का था वो पोर्ट में, जो उनकी हुकूमत जिसकी हुकूमत चल रही है उनके मालिकों का था, इसीलिए उसको दबा दिया गया उस न्यूज़ को। क्या हुआ, क्यों आज ड्रग इतना आम हो गया है? मेडिकल शॉपों में, हाँ, हर जगह छोटे छोटे दुकानों में छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, पेट्रोल का नशा कर रहे हैं, सॉल्यूशंस का नशा कर रहे हैं, टैबलेट्स का नशा कर रहे हैं, गांजा तो कोई के आम हो गया। क्यों हुकूमत इसमें खामोश है?
क्या हुकूमत चाहती है कि नौजवान दब जाए, ख़त्म हो जाए, इस मुल्क का नौजवान ख़त्म हो जाए? इसका असर सबसे ज़्यादा है ना माइनॉरिटी पर पड़ रहा है, क्योंकि एक तो इसका ड्रग एडिक्ट कब बनता है इंसान, जब उसके पास काम नहीं होता। लोग डिप्रेशन में खाते हैं, लोग डिप्रेशन में ड्रग्स लेते हैं। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हुकूमत आज एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही है? इन बेकार नौजवान बच्चों को, जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, उन लोगों के लिए, उनके लिए हुकूमत की तरफ से क्या है? 2 करोड़ के वादे थे, 2-2 करोड़ के नौकरियों के वादे थे, लेकिन 12 लाख वो भी बोलने के लिए अभी तक एक नौकरी दिया नहीं। जब नौकरियां नहीं रहेंगे, बच्चे करेंगे क्या? ये लोग ना प्लेग्राउंड से, इस इलाकों में जितने इतने बड़े इलाके हैं, यहाँ एक ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको अच्छा खासा। इतने बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है। बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे तो तब है ना इन चीज़ों से बचेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है। आज नाम के तौर पर, फैसिलिटी के तौर पर आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, ना ग्राउंड है, ना कुछ है। बच्चे खेलेंगे नहीं तो इस तरह के अखलाक, इस तरह के बद अखलाकी चीज़ों में घुसेंगे और इनका मुस्तकबिल ख़राब करने वाले ये हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत इसके ऊपर नज़र नहीं डाल रही। अगर हुकूमत अगर इसके ऊपर सीरियस हो जाए, डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर सीरियस हो जाए, तो इस चीज़ को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकते हैं चाहे तो। क्यों ख़त्म नहीं हो रहा? क्यों ड्रग के पेडलर्स क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? हर गली में ड्रग पेडलर्स हैं, क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? तो इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस ड्रग्स को, इस बीमारी को, इस गंदी चीज़ को किस तरह से ख़त्म किया जाए। आज सिर्फ वो ड्रग्स बच्चों को बचाने का नहीं, उनके घर वालों को बचाने का है। अगर एक कोई बच्चा ड्रग्स लेता है, वो उसके पूरे ख़ानदान पर उसका असर पड़ता है, उसके पूरे ख़ानदान पर, उसके कबीले पर असर पड़ता है। तो इस चीज़ को हम, इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि हम इसको एकदम कंडम करते हैं, कि हम चाहते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर स्टैंड ले और इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बिल और इसके ऊपर कोई लॉ लेके आए। बेकार के जो लॉ लेके आते हैं ना, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए तकलीफ़ देने वाले, इसके ऊपर लाए। क्योंकि मुल्क को अगर बचाना है तो नौजवानों को बचाना पड़ेगा। अगर कोई भी मुल्क तरक्की करना चाहता है तो बिना नौजवानों के कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर नौजवानों को इस गंदी बीमारी से बचाना है तो मुल्की जिम्मेदार को, हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुल्क किससे चलता है। तो इंशाल्लाह हम इसकी ये मुहिम चलाते हुए इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम को सिर्फ आज के दिन नहीं, बार बार, हर बार हम बोलते रहे कि नौजवान हमें, मेरे नौजवान भाइयों से अपील करता हूँ कि भाई आप इस चीज़ से बचिए। नशे में कुछ नहीं रखा, ड्रग्स के नशे में कुछ नहीं रखा। अगर नशा करना ही है तो आप अपने ख़ानदान की, अपनी जिम्मेदारों को संभालें, अपने मुल्क को बढ़ाने के लिए, अपने मोहल्लों को अच्छा करने का नशा लीजिए, ताकि उससे आपका भी फ़ायदा हो और दीगर आपके मोहल्ले का फ़ायदा हो, आपके मुल्क का फ़ायदा हो। और उसी के साथ साथ मैं कर्नाटक, रियासत कर्नाटक और खुसूसन शहर बेंगलोर के उन सारे मसाजिद के कमेटियों वालों को मैं ये अपील करता हूँ कि सिर्फ कमेटी मस्जिद के हदूद तक ही नहीं रहती, बल्कि अपने पूरे उस एरिए के अंडर रहती है, जो चारों तरफ अपनी कमेटी जो है निगरानी करे, कौन से घर में कौन सा बच्चा नशा कर रहा है, ये हर गली के अंदर जाकर वो कमेटी, जो कमेटी है महल्ला जो चुनकर रहता है, जो अहबाब इनको कमेटी को बनाकर आगे भेजते हैं, उससे नौजवान जो है वो, ये खुद नौजवान जो है आगे बनाकर कमेटियां फॉर्म कर जो है मस्जिदों को जो है आबाद करने के लिए इन जिम्मेदारों को भेजते हैं, लेकिन उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। ये हम देख रहे हैं कई अरसे से, कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ जो है अपनी अपनी जो है अहदेदारी या फिर अपना बड़प्पन दिखाते हुए मैं कमेटी का सदर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, इससे नहीं होगा मेरे भाई। हम ये चाहते हैं कि वो हर इलाके की मस्जिद की कमेटी ये काम करे कि हमारे हलके के अंदर कितने गलियों के अंदर, कौन से घरों के अंदर बच्चे नशे कर रहे हैं, इसकी तहकीक करें। और जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हमारे सारे भाई, चाहे वो मठ के हो, चाहे वो चर्च के हो, चाहे वो मंदिर के हो, चाहे वो मस्जिद के हो, हर वो इंसानियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम जो है हमारे नौजवानों को इस लत से, इस ड्रग्स के लत से हम जो है दूर रखें।